मास कॉन्शियसनेस इतनी टेंशन फैला रही है कि आपके आसपास के वातावरण में आपके अंदर टेंशन आ रही है, आपको भज जाते जाते क्रोध आता पता नहीं क्यों, क्योंकि घर में आपने सारे टाइम भजन ही यही किया है। मास कॉन्शियसनेस है, क्लेश क्लेश क्लेश। आपको 10 लोग ऐसे मिलने लग गए जो कि क्लेश की बात करते हैं और यही आपकी माइंड और बॉडी ने पकड़ लिया। उधार है, पैसा नहीं है मार्केट में, पैसा नहीं है मार्केट में, थोड़ी देर में आपके पास भी नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली आप बटन ऑन कर रहे हैं, आपको कट 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 करना है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जो होता है सूर्य की शक्ति है। हम पैदा हुए हैं धरती पर, हमें जन्म जीवन देने के लिए सूर्य रिस्पॉन्सिबल है। सूर्य से पैदा हुई चीजें हम खाते हैं पीते हैं तो हमारा जीवन चलता है। आज साइंटिस्ट जिस ग्रह पे पानी हो वहां जीवन है इसके लिए पानी ढूंढते पहले, क्योंकि पानी में सूर्य की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भरा हुआ सूर्य, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। सूर्य की सारी शक्ति का सबसे 100% परफेक्ट बैलेंस पानी में होता है। तो जीवन में धरती के लिए हर जगह के लिए हम जब देखते हैं तो हाइड्रोजन की पावर देखते हैं, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच, पीएच वैल्यू। पानी की पीएच वैल्यू है 7.2, इसको हम 7 लेंगे ताकि समझने में आसान रहे। 7 ये मीटर है एक तरह से, भाई इतना किलो, 10 किलो, 5 किलो मापने का तरीका। ये जो होता है इसके ऊपर पानी यानी कि जीवन, नर और नारायण जल में रहते हैं, जल चक्र में। 7.2 क्यों है, क्योंकि 12 6 72 छठा चक्र है ऊपर से हमारा स्वादिष्ठाना और 12 जोड़ियक्स हैं, इसलिए 7.2 है। 7 बोल रहे हैं, 12 6 72 होता है। 7 पावर पानी की, हाइड्रोजन की पावर है, इसमें जीवन होता है, यानी आपकी लाइफ चल रही है भाई, कोई मरना पिटना नहीं हो रहा है। अगर आप 7 की वैल्यू पर पानी, पानी मीन्स आप स्वयं, आपका टिंकू ब्रेन, आप नॉर्मल है, सरल है, स्वस्थ है, कोई रोना नहीं है, कोई पिटना नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई बहुत मजाक दुख तकलीफ, वहां जीवन ऑन हो जाएगा। आप ड्रीम्स में चले जाओगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन नीचे चली जाएगी, डाउन हो जाएगी, और नीचे क्या है, पशु चक्र, जीवन जानवरों जैसा हो जाएगा। इसको बढ़ा दोगे जीवन सरल और आनंद का हो जाएगा, आनंद ऊपर आता है, दिल ऊपर धड़कता है, खाना ऊपर पचता है। जो लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 के नीचे होते हैं, स्वादिष्ठारा से भी नीचे गए, उनका जीवन में कष्ट क्लेश दिक्कतें परेशानी, वो सब रोते पिटते लोग, वो मास कॉन्शियसनेस से प्रभावित होते हैं और यही कहते हैं यह असूल है, राजपूत खानदान में ऐसे ही होता है, और फिर वो मर जाते हैं। प्लस होता है, गुड होती है लाइफ। नॉर्मली ये जो घरों में हम लोग पानी पीते हैं, ये अगर इसका पीएच बढ़ जाता है तो पीने लायक नहीं रहता। वो बताया तो मैं, वो बताया तो क्या होता है, ये इसको लेंगे हम, यहाँ लेते हैं, ये हो गया हमारा, फिर इधर आ गया, ये पीएच 7 यहाँ पर है जल का, पानी का, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे की वैल्यूज है 6 5 4 3 2 1, 8 9 10 11 12, ऊपर जाता है, तो पीएच बढ़ता चला जाता है। जो पीएच है इसका मतलब पानी बिल्कुल सरल है, जीवन में पीने योग्य है। इसका मतलब आपको पानी के थ्रू ही अपने जीवन के अंदर मास कॉन्शियसनेस तोड़ना और अपने कार्य मैनिफेस्ट करना हो सकता है, ऑटोमेटिकली होता है ये, सिर्फ जल से पानी ही सब सेट कर देगा। खेल क्या है, पानी की वैल्यू 7 होनी चाहिए। अब 7 कैसे होगी, आप कौन सा मीटर लगा के बैठे हो, पर इसमें समझ लेते हैं, पता लग जाएगा। पीएच वैल्यू जब 7 से कम होती है यानी कि जीवन मरने की ओर जाने लगता है तो नीचे की ओर गिरता है, और ये एसिडिक कहते हैं इसको। एसिडिक एनवायरनमेंट में पानी की शक्ति कम होने लगती है, जीवन खराब होने लगता है, यानी आपके मन में, हृदय में और जीवन में एसिड आ गया तो आपकी बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है, खत्म करने की क्षमता बढ़ जाती है, और बेसिक होती है ऊपर की, बेसिक, इसको हम एल्कलाइन भी बोलते हैं, एल्कलाइन। एल्कलाइन मीडियम बन जाता है तो वैल्यू ऊपर बढ़ने लगती है। जैसे बैटरी का जो पानी होता है उसकी पीएच वैल्यू है 0, बैटरी एसिड वाटर, यानी जब बुरी तरह एसिड होता है ना तो मृत्यु हो जाती, मर जाता है, जीवन नहीं बनता। ऐसे इसमें लेमन जूस है उसकी पीएच वैल्यू 1 है, टमाटर का जूस है, पेट में एसिड बनता है इन सबसे, खाना हजम जल्दी होता है। बियर है, कॉफी है, ये 7 के नीचे रहते हैं, ये 7 के नीचे रहते हैं, यानी ये सब चीजें जब आप लेते हैं आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बनती है, और ये भोजन को पचाने के काम कब आती है, जब नेचुरली आपसे पच नहीं रहा, क्योंकि आप 7 से नीचे हैं, आपने अपने जीवन में एसिड बना दिया। एसिड कब बनता है,
जल जल के, सड़ सड़ के, कुड़ कुड़ के, पिट पिट के, रो रो के, टह टह कर करके, हाय हाय हाय, लोगों को पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्या हाल होता है? पेट जल जाता है। क्या होता है? अल्सर। अल्सर हो गया, आप भोजन पचाने लायक नहीं है, यानी सूर्य आपका इतना डिस्टर्ब हो गया कि भोजन पचाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप औरों के हिसाब से चल रहे हैं। जितने लोग बीमार हैं, पेट पेट से नीचे की समस्या है, वो सब औरों के चक्कर में मर रहे हैं, दिखावे के मरीज हैं। गारंटी है बॉडी में एसिडिटी बनेगी और बढ़ेगी। हार्ट बर्न तक होता है, चेस्ट पे प्रॉब्लम आती है, थ्रोट तक में एसिडिटी बन जाती है, सिर में तक दर्द होने लगता है, पेट में आप गैस कीजिए, सिर दर्द हो जाएगा। आपकी पीएच चेंज हो गया है। पीएच चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आपने एसिड पकड़ लिया लाइफ में। रोने पिटने की बातें करने वाले दोस्त बना लिए हैं, टी टपाड़ करने वाले लोगों से संबंध बना लिया है, जिससे कष्ट हो रहा त्याग दो। भले सगा भाई है उसे त्याग दो उस टाइम, नहीं त्यागोगे खून पी जाएगा। फिर हम चिंता में बैठ जाते हैं, हाय मेरा पुत्र की कर रहे होगा, अब पता नहीं जी क्या कर रहे होंगे वहां, वो खाना खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, अरे उसके पेट लगा खुद खा लेगा, आप किस टेंशन में लगे हो। पर हम उसका रोना पिटना शुरू कर देते हैं और हम अपने जीवन में एसिडिटी बढ़ा लेते हैं। पूरे पूरे जन्म वाइफ हस्बैंड को कोसती रहती है, क्या गुनगुन गुनगुन भन 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 भन, हस्बैंड सारे सारे जन्म कहता रहता है किसके पल्ले पड़ गया क्या मेरी लाइफ, ये क्या हो रहा है, सब एसिड क्रिएट कर रहे हैं। प्रेम समाप्त, जीवन समाप्त, सीधा एक्सेप्ट करो, जो मिल गया यार बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, अरे देखा जाएगा कभी ऐसे भी सही। आपके पास इतनी सारी कमांड्स है अपने आप को ऊपर लाने के लिए, और आपके जीवन के अंदर आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मकान, गाड़ी, पैसा, यूं देगा ईश्वर। आपके अंदर एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो भोजन के द्वारा आप ये सब चीजें त्याग देंगे ना, जिन सबसे एसिड बनता है, आपके जीवन में पीएच सेट होगा। आपके शरीर के द्वारा एक बार ऊपर उठना सीखना है और कलर्स की थेरेपी सेट करनी है। ये एल्कलाइन लाइफ बन जाएगी। एल्कलाइन में बेकिंग सोडा का पानी होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, आप ये सब भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुस्कुराहट होती है, भाड़ में जाए होता है। अगर आपकी लाइफ में ये सब है तो आपके बॉडी में एल्कलिनिटी अपने आप बन जाती है। एल्कलाइन, एल्कलाइन पानी के द्वारा बड़ा कमाल का एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये लेबोरेटरी में टेस्ट हो चुका है। एल्कलाइन वाटर यानी जिसके पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से ज्यादा है, उसमें दो रंग घुल के गायब हो जाते हैं, लाल और ऑरेंज। कमाल है यार, प्रकृति भी उस कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करती है, प्रकृति इस कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करती है। ग्रीन टी की पीएच वैल्यू 8 के करीब होती है, इसलिए ग्रीन टी टू गुड, गोट्स मिल्क 9 के करीब होती है, पीएच वैल्यू एक्स्ट्रा है। यूके के अंदर, लंदन के अंदर इवियन का पानी बिकता है, सबसे महंगा है वर्ल्ड में, दारू से भी महंगी मिलती है बॉटल, बियर से महंगी मिलती है उसकी बॉटल, और वो पीते हैं लोग, क्यों है? क्योंकि कॉन्शियसनेस में वो बहुत ऊपर, स्प्रिंग वाटर होता सारा जो प्राकृतिक है, जड़ी बूटी वाला, वो सारा का सारा पीएच वैल्यू बढ़ाए बैठा है। आप जो नॉर्मल दूध पीते हैं वो 5 से 8 के बीच होता है पीएच वैल्यू, डिपेंडिंग देने वाले ने किस फीलिंग से दिया, कि मेरा दूध नहीं पीता बच्चा मेरा, बस गई पीएच वैल्यू, मम्मी ने कहा बेटा दूध पी जल्दी बेटा ताकत आएगी, अब मार दिया माने एक्सपेक्टेशंस, और इसलिए डाल दिया। हम जब जीवन में इसलिए किसी चीज पे डाल देते हैं जो दुनिया की वजह से डलता है, हमारा पीएच वैल्यू कम हो जाती है, और हम एसिडिक एनवायरमेंट की वजह से चलते हुए उन दिनों में अपने आप ये चीजें ज्यादा पीते हैं। वर्जिन मोई तो बहुत पीते हैं लोग, बहुत ज्यादा टोमेटो जूस, ज्यादा कॉफी लेते हैं, बियर, दारू एंजॉय नहीं करते, वो सब अपनी बॉडी में एसिडिटी बना रहे हैं। ये भोजन की एसिडिटी भी है और अंदर का एसिडिक कंटेंट भी है, जिसमें आपकी वाइब्रेशंस लाल और ऑरेंज सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। आप अगर कलर्स को प्राकृतिक रूप से देखेंगे लेबोरेटरी में, तो लाइट जब ऑन होती है तो लाल रंग अलग से चमकता है, सबसे ज्यादा चमकता है, और अगर अंधेरा कर दो तो ब्लू रंग ज्यादा चमकता है। ये अंधकार में ऊपर उठता है आदमी, स्पेस चक्र पे ग्रीन रंग पे, अंधेरे में भी दिखते हैं ये। इसका मतलब आपने आंखें खोली, दुनिया के चक्कर में फंसे, आपको मूलाधार घसीटना शुरू कर देगा, आपने आंखें बंद की, दुनिया से कट गए, आप ऊपर की रुकना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कोई भी विचार, कोई भी टेंडर डालना, कोई भी काम करना, उससे पहले दो काम करें। आपका पीएच लेवल ऊपर करना है, आपने मीटर लगा नहीं रखा, अपने अंदर लंबी सांस लीजिए और छोड़ दो। घाटा होगा, लफड़ा होगा, फायदा होगा, फलाना होगा, इसलिए होगा, लंबी सांस तब तक लेते रहो जब तक ये थॉट सुन ना जाए। शून्य पे जाना है, ये नहीं सोचना घाटे का थॉट ना आए ये घाटा ले आया, आपने लंबी सांस लेनी है, पेट बाहर सांस बाहर पेट अंदर,
गुरुजी से रिलेटेड तो प्राणायाम भी है, प्राणायाम इसलिए तो कराया जाता है। तो गुरुकुल का लफड़ा क्या है, वो इंडायरेक्टली यही शिक्षा थी। तो लंबी सांस लिया आपने, अंदर सांस बाहर छोड़ी। अब आपने सोचना है मैंने पैसे की अरेंजमेंट करनी है, ईश्वर तेरे हवाले छोड़े, भाड़ में जाऊं मैं, भाड़ में गया सारी दुनिया और भाड़ में गए मेरे सारे नियम। ये पहला सांस लिया आपने ऐसे, आंखें खुल ली है बंद। अब ये दूसरे सांस से पहले आंखें बंद, थॉट अंदर गया कि मेरे को ये चीज करा के दे ईश्वर तेरे हवाले, ओम खत्म। अब सांस बाहर, आंखें बंद, आंखें बंद। आप इमीडिएटली ब्लू पे रेस कर जाओगे ऑटोमेटिकली। आप कष्ट में, क्लेश में, क्रोध में क्या करते हैं, और आंखें खोल लेते हैं, डेल के बाहर निकल आते हैं, ऐसी की तैसी, कैसे कर दिया। यू आर मोर इन टू द रेड वाइब्रेशन। आप रेड और ऑरेंज की वाइब्रेशन में इतना ज्यादा, पार्किंग के लिए सूर्य, सूर्य चल रहा है, सूर्य की किरणें रीड कर रही हैं। अभी आप सूर्य के साथ आपने डीएनए डाल दिया कि 2 साल बाद मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसे होगा, ऐसे की तैसी, और यहां से डाला तो बैंड बज जाएगी, बैंड बजा देगा, और यहां से डाला तो गिफ्ट में आएगी, आपको गिफ्ट में आएगी। सूर्य लगातार चल रहा है और हमारे अंदर क्या चल रहा है, 10 साल पहले के मामा जी मरे थे, आज तक हो रहे उनके लिए, 10वां कर दिया हमने 10 दिन में, गलत समझ लिया, 10 साल में 10वां होगा। पिटना ही नहीं छोड़ते, कोसना नहीं छोड़ते, दूसरे की कमी नहीं छोड़ते। जहां आपने भाड़ में जाया करा दहा कर, आपका नाभि केंद्र इतना पावरफुल हो जाता है, हजम कर जाता है, दफा कर यार, ऐसी की तैसी यार, ये तो जैसे पत्नी के लिए क्लेश है, ये तो है ही ऐसी यार, दफा कर। और पति ऐसा, अरे तो है ही ऐसा, दफा कर, दुनिया तो दुनिया है ही ऐसी, दफा कर। तो मंत्र क्या है इसमें, जैसे राम 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 राम, इसका मंत्र है 108 बार जप, 108 बार जपना है, मरने दे मरने दे मरने दे मरने दे मरने दे, ये जाप है। हम मरने नहीं देते, हम पकड़ लेते हैं, कैसे मरने दे, ऐसा कैसे, ना ना ना, पागल हो जाते हैं, क्योंकि छोड़ते नहीं, क्योंकि दुनिया नहीं छोड़ती। हम दुनिया से इतना इन्फ्लुएंस्ड हैं, इतना अधिक इस मास कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं, और हमें पता नहीं है। आपकी कॉलोनी में यदि एक भजन संध्या करने वाले लोग आ जाएंगे, आपके कानों में भजन पड़ी जाएगा, जैसे ही वो कहेगा ना जकरा शेर वाली दा, और हमारे पाप खत्म कर, आपको पाप आ जाएंगे याद फटाफट, पाप 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 पाप। मास कॉन्शियसनेस उस समय आप पे अटैक करेगी, आप अपने आप कर बैठेंगे ऐसा। आप जितना ज्यादा यहां धरती पे गरीबी सोच रहे हैं, कंगाली सोच रहे हैं, आप मरने को तैयार हो जाओगे और स्वर्ग की कल्पना बना लोगे दिमाग में। जितनी भी आतंकवाद दुनिया में फैल रहा है, उनके पास एक ही मुद्दा है, यहां तो नरक है, मर जा, ह्यूमन बॉम्ब बन जा। लोग इतना कष्ट, इतनी कमी में यहां जी बैठते हैं कि वहां के सुख के लिए यहां पर त्राही त्राही मचा देते हैं, आग लगा देते हैं। इसलिए आपके जीवन में 7 मंजिलें घूम लो, ये 7 मंजिलें घूम लो, मरने की ऐसी की तैसी आपको हो गई यार, मरने को गले लगा लो, अब तो नया कुछ देखना है यार, सब तो कर लिया है, कष्ट भी भोग लिए, मजा भी ले लिया, दान भी कर लिया, जलन भी कर ली, भाड़ में जाए भी करना सीख लिया, यार क्या रह गया, स्वर्ग में क्या नया होगा, यही इतना कुछ कर लिया, पूछो नहीं।